हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू। मकर संक्रांति पे तिल की चीज़ें तो घर में बनती ही है ना, तो मैंने बनाई है तिल की बर्फ़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस तीन चीज़ें चाहिए आपको, एक कटोरी गुड़, एक कटोरी तिल और हाफ कटोरी मूँगफली। मूँगफली यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो उसके बिना भी बना सकते हैं। मूँगफली से बस बर्फ़ी का टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। तो मैंने मूँगफली को पहले भून लिया है अच्छे से। इसे भूनने के बाद इसके छिलके मैंने अलग कर दिए हैं और इसे मिक्सर में मैंने ग्राइंड कर दिया है दरदरा होने के लिए। इसे फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही पीसना है। इसे कुछ इस तरह से आपको पीस के इसको रेडी कर लेना है। ये देखिए, ये दरदरा ही है, इसे मैंने रख दिया अलग कटोरी में। अब उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे तिल को। तिल भी हमें भून लेना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये चटकना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये चटकने लगे यानी आपके तिल भून चुके हैं। तो बस उसे भी निकाल के अलग रख दिया है मैंने और उसके हाफ पार्ट को मैं निकाल के मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। इसे भी दरदरा ही पीसना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है हमें। तो इसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे भी निकाल के अलग रख देना है। ये देखिए, हमारा पाउडर रेडी है। और अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे अपनी चाशनी बनाने के लिए। तो कढ़ाई में हमें डालना है गुड़ और हाफ कप पानी। इन्हें चलाते रहना है जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। और जैसे ही ये मेल्ट हो जाए और इसमें बबल आने लग जाएँ, दैट मीन्स आपकी चाशनी रेडी हो गई है। तो इस स्टेज पे हम इसमें एक चम्मच घी ऐड कर देंगे। घी हम डालते हैं बर्फ़ी को सॉफ्ट बनाने के लिए। तो घी डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया इन सारे इंग्रेडिएंट्स को। इन्हें अच्छे से चला लेना है, इन्हें चलाना है जल्दी जल्दी, क्योंकि इस स्टेज पर ये थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस इसे जल्दी से चलाना है और गैस को हमें बंद करना है। गैस को बंद करते ही मैंने एक थाली ली और उसको घी से मैंने ग्रीस कर लिया था। उसी पे हम अपने इस मिक्सचर को स्प्रेड करेंगे। तो ये काम हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस स्टेज पे ये जमना स्टार्ट हो गया है। तो इसे जल्दी जल्दी मैंने इसे में फैलाया है, मतलब डाला है पहले और फिर इसे धीरे धीरे फैलाना स्टार्ट कर दिया है। इसे मैंने अच्छे से फैलाया ताकि चारों साइड्स बराबर हो जाएँ। मैंने इसको थोड़ा सा स्क्वायर शेप देने की भी कोशिश की थी, तो करीब करीब ये अच्छा शेप आ गया था इसका। और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये थोड़ा सा जम गया था और फिर मैंने इसको दोबारा फ्रिज में से निकाल के चेक किया तो ये थोड़ा जम चुका था। तो मैंने इसको कट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसको मैंने कट किया तो देखिए कितने अच्छे से कट हो रहा है, ये एकदम सॉफ्ट बना था। तो मैंने इसको स्क्वायर शेप दिया, आप चाहें तो इसको डायमंड शेप दे सकते हैं। फिर मैंने इसको सजाया था काजू और पिस्ता से। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से जम गया है। मेरी बर्फ़ी पूरी रेडी हो चुकी है। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। खाने में भी ये उतना ही टेस्टी बना था। आप प्लीज़ इसे ट्राई करना और बताना ये कैसा बना था। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।